top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आधे घंटे से भैया नरेंद्र कुमार सर कितने देर से आप जाम में फंसे आधे घंटे से भैया क्या आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं सपा की गुंडाई तो नहीं है जिस तरह से जाम लगा रखे ये लोग समर्थक गुंडाई है भैया जाम लगा रहे तो गुंडाई है कहाँ से आ रहे हैं सर आप भैया यही पास से आ रहे हैं नोएडा जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा कितने देर से जाम में फंसे आधे घंटे में भैया किसकी गलती मानते हैं आप सरकार की गलती मानते हैं या पुलिस की गलती मानते हैं सरकार की क्या दोबारा चाहेंगे कि ऐसी सरकार दोबारा आ पाए नहीं सर आपका सुनील मित्तल सुनील जी आप कहाँ से आ रहे हैं मैं दिल्ली से आ रहा हूँ जी सर कितने देर से जाम में फंसे हुए आप मैं 15-16 मिनट हो गए सर क्या मानते हैं आप कि सपा सरकार की गुंडे है जिसके कारण जाम लगा रखा है यहाँ पे समर्थकों ने ये समर्थकों का जोर जबरदस्ती है क्या आप प्रशासन की गलती मानते हैं या सरकार की गलती मानते हैं जिस तरह से ये लोग जाम लगा रखे प्रशासन की गलती है आप कहाँ जा रहे हैं इस टाइम अभी हम नोएडा जा रहे हैं सर आप ऑफिस जा रहे हैं ऑफिस के लिए लेट भी हो रहे हैं आप उसके बावजूद भी यहाँ आधे घंटे से लोग ज्यादा जाम में फंसे हुए हैं जाम लगा रखे हैं क्या आप चाहते हैं कि किस तरह से आप इन
किसकी सपोर्ट करना चाहेंगे? मतलब अगर सरकार दोबारा बनती तो क्या इसको वोट देना पसंद करेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वोट देना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन प्रशासन में इसका ध्यान रखना चाहिए। अमित कुमार दीक्षित। अमित जी, कितने देर से जाम में फंसे हुए? जाम में भैया एक घंटे हो गए, जाना है किसी को हॉस्पिटल ले गए। ये कोई रैली है? ये जाम लगा रहे हैं लोग, जा नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आश्रम से आ रहा हूँ जी, अभी एक डेढ़ घंटे हो गए, मैं तो उसी तरह परेशान हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है किसी को। ये क्या मानते हैं, सरकार की गुंडाई तो नहीं है? नहीं नहीं, गुंडा राज है ये सरकार, गुंडा है, बिल्कुल गुंडा है। प्रशासन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जनता हमारी, जो देश की किसान है, वो तो आत्महत्या कर रहा है, अखिलेश यादव घर में रहते हैं, उन्हें क्या पता, वो तो फ्लाइट में घूमते हैं और हीरोइन को बुला के ऐश मौज करते हैं। क्या पुलिस, सर पुलिस की भी लापरवाही मानता है आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100 में 100% पुलिस की लापरवाही है इसमें।